शहर के कृषि मंडी स्थित किसान भवन में रविवार को जय भीम सामाजिक समिति के तत्वावधान में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जिले सहित इंदौर और भोपाल संभाग से भी विवाह योग्य युवक युवतियां के साथ समाजजन शामिल हुआ है। समिति के नरेंद्र आर्य ने बताया, सम्मेलन में करीब 200 से अधिक युवक युवतियों ने अपने जीवन साथी की तलाश में मंच से अपना और परिवार का परिचय दिया। इस दौरान स्मारिका का विमोचन भी हुआ, जिसमें युवक युवतियों का बायोडाटा प्रकाशित किया गया। आयोजन के दौरान अतिथियों ने बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात करने की अपील कर समाज हित में काम करने का आह्वान किया। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। मेरा क्वालिफिकेशन है बीए एमएनडब्ल्यू एलएलबी डीएड कंप्यूटर और 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला होगा। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो ये मुकद्दर ही बाबा साहब के सिवा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रीति राणे है और मैं श्री मांगीलाल राणे जी की बेटी हूँ और मैंने अपना एजुकेशन इंदौर से कम्प्लीट किया है और एजुकेशन में मैंने 12th कॉमर्स से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने बीकॉम किया है इंदौर से और उसके बाद मैंने योगा फील्ड को अपना चुना और उसके बाद एमएमए मतलब मैंने मास्टर डिग्री किया है फिर मैंने योगा में और अभी रिसेंटली मैं खरगोन में अपनी योगा खुद की क्लासेस चला रही हूँ। प्लस मैं पर्सनल ट्रेनिंग्स भी देती हूँ, जैसे अभी खरगोन के बहुत सारे माने हुए डॉक्टर्स हैं जो मुझसे योगा सीख रहे हैं, अभी ऑनलाइन भी सीख रहे हैं और ऑफलाइन भी सीख रहे हैं, तो मैं अपना पर्सनल इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। एससी बायोटेक में पीजी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे पापा का नाम हीरालाल करौजे है और भगवानपुरा में रहती हूँ। 17 अगस्त 2000 मेरी जन्म तारीख है। मेरा नाम निकिता आर्य है, मैं देवला में रहती हूँ। मेरे पापा का नाम किशोर आर्य है। मैंने बीएससी बायोटेक से किया है, अब एमएससी बॉटनी से कर रही हूँ और अब प्लस में पीजीटी से कर रही हूँ। मेरा नाम दिव्य हिरवे है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान भाईराम हिरवे है। मैं ओंकारेश्वर से हूँ। मेरा एजुकेशन मैंने बीए किया हुआ है, फिर पॉलिटेक्निक, उसके बाद में पीजीटीसी और डीएड कम्प्लीट है। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी जय भीम आर्थिक सामाजिक संस्था के तहत हमने आज युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा है, जिसमें इंदौर संभाग सहित भोपाल के भी कुछ इसमें बायोडाटा है, उज्जैन के भी आए हैं। और ये इसके तहत एक सामाजिक सोच ये रहती है कि हमारे समाज में कहीं विवाह योग्य युवक युवती जो है, जिनके माँ बाप कहीं नौकरी पैसा के चक्कर में या सामाजिक व्यस्तता के कारण उतना संपर्क एक दूसरे से नहीं हो पाता है, तो ऐसे आयोजनों के माध्यम से एक योग्य रिश्ता मिलने की ज्यादा संभावना रहती है। इसी उद्देश्य के तहत हम प्रतिवर्ष ये आयोजन करते हैं और इस वर्ष भी कितने युवक युवतियों ने पंजीयन कराया? यहाँ पर 216 युवक युवतियों ने पंजीयन कराया, जिसका उल्लेख स्मारिका में है। उसके अतिरिक्त भी कम से कम 50 युवक युवती अभी अतिरिक्त और आए हैं, जिनका भी यह नया पंजीयन होगा और उनको स्मारिका दी जाएगी। नरेंद्र आर्य। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।